गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश नेहरा आज आपको बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान बीए पार्ट सेकंड राजनीति विज्ञान के पेपर भारतीय राजव्यवस्था के टॉपिक मिली जुली सरकार अर्थात गठबंधन की सरकार का अध्ययन करवाएंगे। गठबंधन की सरकार का हमने आज से पहले जो अध्ययन किया उसका हम थोड़ा देख लेते हैं, उसका अध्ययन थोड़ा पॉइंट देख लेते हैं। आज तक हमने मिली जुली सरकार का अध्ययन किया। सबसे पहले हमने ये समझा कि मिली जुली सरकार कौन सी होती है, मिली जुली सरकार कौन सी होती है। पहला हमारा अध्ययन था कि मिली जुली सरकार कौन सी होती है और कौन सी शासन व्यवस्था में होती है, मिली जुली सरकार कौन सी होती है तथा कौन सी शासन व्यवस्था में होती है। दूसरा टॉपिक हमारा था मिली जुली सरकार कौन सी व्यवस्था में आती है, संसदीय शासन व्यवस्था में मिली जुली सरकार का गठन होता है। इसमें भी दो प्रकार की सरकारें होती है, एक दलीय या फिर मिली जुली। ये टॉपिक हमने पूर्व वाले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, इससे पूर्व वाले वीडियो में इस टॉपिक को देख चुके हैं। दूसरा था मिली जुली सरकार के लक्षण, मिली जुली सरकार के लक्षण, दूसरा था मिली जुली सरकार के लक्षण और तीसरा था मिली जुली सरकार के प्रतिमान रूप कौन कौन सी है। और नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक था मिली जुली सरकार भारतीय राजनीति और मिली जुली सरकार भारतीय राजनीति और मिली जुली सरकार भारतीय राजनीति में दो प्रकार की मिली जुली सरकारों का अध्ययन करेंगे। एक तो राज्य सरकार, राज्य में जो मिली जुली सरकार गठित की गई, दूसरा केंद्र सरकार, केंद्र ने जो मिली जुली सरकार की गई। राज्यों की जो मिली जुली सरकार है वो भागों में इसका अध्ययन किया हमने। चतुर्थ आम चुनाव से पहले तथा बाद दो प्रकार से अध्ययन किया। केंद्र में हमने जो अध्ययन किया 1977 से लेकर 16वीं लोकसभा तक ये हमने मिली जुली सरकारों का अध्ययन किया, मिली जुली सरकारों के काल के बारे में अध्ययन किया। दूसरा हमारा था मिली जुली सरकारों की विशेषताएं, उनकी विशेषताएं क्या है, क्या क्या विशेषताएं मिली जुली सरकारों में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा था, ये था हमारा टॉपिक जो राज्यों का था। फिर हमारा केंद्र में मिली जुली सरकार ने 1977 से लेके हमने जो अध्ययन किया था वो 16वीं लोकसभा तक लगभग 8 वर्षों में अध्ययन किया था। ये अध्ययन हमने पूर्व वाले वीडियो में यह अध्ययन हमारे द्वारा किया गया। आज जो हमारा अध्ययन का बिंदु है उसमें दो बातों का अध्ययन करेंगे हम। एक है केंद्र में मिली जुली सरकारें समान बातें, दूसरी है केंद्र में मिली जुली सरकारों के लिए सुझाव, दूसरी है केंद्र में जो मिली जुली सरकारों के सुझाव व निष्कर्ष देखे। मिली जुली सरकारें इसमें एक है हमारी समानता या समान क्या है, समान गुण क्या है मिली जुली सरकारों में। हमने समानता में जो आज तक जो मिली जुली सरकारें बनी, चाहे राज्यों में बनी चाहे केंद्र में बनी, तो हमने पहला जो बिंदु है केंद्र में मिली जुली सरकारों की समानता है। केंद्र में जो मिली जुली सरकारें बनी उनमें क्या समानताएं रही, क्या एक जैसे गुण रही। एक तो
इन सरकारों में प्रथम जो गुण था ये गठबंधन से अधिक मजबूत की थी। इन सरकारों का जब गठबंधन था, इन सब सरकारों का गठबंधन में ये थी कि विपक्ष मजबूत था। बेटा क्या है? विपक्ष मजबूत था, विपक्ष मजबूत था, और विपक्ष मजबूत होने से मिली जुली सरकारें अस्थायी रही, स्थायी नहीं हो पाई। 1977 में जनता पार्टी की सरकार को स्पष्ट एवं संपूर्ण अर्थों में जनादेश मिला। 1979 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार को जनादेश मिला। 12वीं लोकसभा के बाद जनादेश मिला। तुलनात्मक दृष्टि से 13वीं लोकसभा की यूपीए सरकार ने निर्धारित कार्यकाल पूरा किया, बाकी किसी भी सरकार ने कार्यकाल पूरा नहीं किया। यानी कार्यकाल मजबूत, विपक्षी कार्यकाल कार्यकाल अपूर्ण, यानी कार्यकाल उन्होंने पूरा नहीं किया। दूसरी जो असमानता, दूसरी जो असमानता है, ये सारी की सारी सरकारें दिशाहीन सरकारें थी, दिशाहीन सरकारें, ऐसी जो मिली सरकारें दिशाहीन सरकारें थी। इनका दूसरी जो समानता है, दूसरी जो विशेषता है, ये दिशाहीन सरकारें थी। जनता ने इनमें से प्रत्येक सरकार से भारी निराशा की। इन सरकारों ने सामान्य जनता के मनोबल को आघात पहुंचाया। तीसरा, हमने लोकसभा संस्थात्मक शासन व्यवस्था में पढ़ा, संस्थात्मक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र के बारे में पढ़ा कि सरकारें सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करती है। ये सारी की सारी सरकारें सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं था, इनका सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, इन सरकारों में पूर्ण रूप से सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव था। इसलिए ये सरकारें सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाई। इन सरकारों को सामूहिक उत्तरदायित्व के कार्य का अभ्यास नहीं था। इन सरकारों का मुख्य पात्रों का अहम भाव सामूहिक उत्तरदायित्व की पालना को बड़ी आघात था, बड़ी नुकसान पहुंचाया। तो चौथा इन सरकारों की समानता थी अमर्यादित संघर्ष, अमर्यादित संघर्ष, अमर्यादित संघर्ष। इन सरकारों का चौथा गुण यह था कि इनमें अमर्यादित संघर्ष था। इन मिली जुली सरकारों में सत्ता संघर्ष और सत्ता से जुड़े हुए व्यक्तियों के बीच अमर्यादित संघर्ष की स्थिति देखी गई थी। कभी तो प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री के बीच सह और मात का खेल था, कभी उनके सत्ताधारी दलों के बीच आपस में किचड़ उछालने का संघर्ष था। न केवल प्रधानमंत्री, न केवल मंत्रिमंडल की प्रतिष्ठा ही नहीं, इन दलों ने, इन मिली जुली सरकारों ने सरकार को आघात पहुंचाया। पांचवा है मुख्य बात, इनका कार्यकाल अनिश्चित रहा। पांचवा जो इनकी समानता है, कार्यकाल अनिश्चित, इन सरकारों का कार्यकाल अनिश्चित रहा, अर्थात इन सरकारों का कार्यकाल पांच वर्ष नहीं रहा। ये सारी की सारी सरकारें, सारी की सारी मिली जुली सरकारें पांच वर्ष पूर्व ही भंग कर दी गई थी, पांच वर्ष पूर्व ही अपना पद त्याग दिया था। छठा है, इन सरकारों की असफलता से, इन सरकारों की असफलता से केंद्रीयकरण प्रभावी रहा, केंद्रीयकरण हावी रहा, प्रभावी रहा, केंद्रीयकरण मजबूत हुआ। भारत की राजनीति में अभिजात अभिजन के एक वर्ग द्वारा अनेक बार यह बात कही जाती रही कि मिली जुली एक दल की प्रधानता, केंद्र में एक दलीय की शक्तियों ने केंद्रीकरण को जन्म दिया तथा मिली जुली सरकारें विकेंद्रीकरण का पथ प्रशस्त करेगी, समस्त सहयोगी संघवाद को जन्म देगी। लेकिन व्यवहार में ऐसी स्थितियों, मिली जुली सरकारों ने ऐसी कोई स्थिति को जन्म नहीं दिया। यदि इन मिली जुली सरकारों
यदि इन मिली जुली सरकारों को अपनी दिशा होती तो संभवतः ऐसा कर पाते। व्यवहार भी मिली जुली सरकारों ने केंद्र सरकार की स्थिति को कमजोर किया। केंद्र राज्य संबंधों, राज्यों के आपसी संबंधों में मतभेद डाले, तनाव के नए कारणों को जन्म दिया, विघटनकारी कदमों को प्रोत्साहित किया। ये डावाडोल सरकारें देश के विकास के मार्ग में अवरुद्ध करने में असफल रही। ये थी हमारी मिली जुली सरकारें जो केंद्र में मिली, उन मिली जुली सरकारों की समानता, उनकी समानता, उन सरकारों की क्या थी, समानता। समानता का हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट हमारी पॉइंट रहेगा मिली जुली सरकारें सुझाव और निष्कर्ष। मिली जुली सरकारें सुझाव और निष्कर्ष, सुझाव और निष्कर्ष, इन सरकारों को मजबूत करने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं, ये हमारा मुख्य बिंदु है। राज्य स्तर पर मिली जुली सरकारों के प्रयोग आज से लगभग 47 वर्ष पहले अपनाया गया, यानी 1967 से 1970 के बीच प्रयोग लगभग पूर्णतः असफल रहा। लेकिन आगे चलकर संभवतः राजनीतिक दलों ने राजनीतिक यथार्थ को अधिक अच्छे रूप से समझा। राज्य स्तर पर मिली जुली सरकारों को सुधरे हुए रूप को अपनाया। आज राज्य स्तर पर महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार, मेघालय आदि राज्यों में मिली जुली सरकारें अपेक्षा कर अच्छा और ठीक कार्य कर रही है। ये मिली जुली सरकारें जनता की आशाओं आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाती, लेकिन यह असफलता उतनी अधिक सीमा तक नहीं है जितनी सीमा एक दलीय सरकार में होती है। केंद्रीय सरकार ने जो मिली जुली सरकारें बनी, केंद्रीय सरकार ने जो भी मिली जुली सरकारें बनी, उन सरकारों की स्थिति, वो सरकारें अधिक निराशाजनक रही और निराशाजनक के अतिरिक्त कुछ नहीं दे पाई। हम इन सरकारों को असफल करने कहने के लिए विवश है, क्योंकि उन्होंने हर जगह असफलता दिखाई। लेकिन इन सरकारों को असफल कह देने से मात्र से हमारे अध्ययन की किसी नहीं होती। हम इन सरकारों को अगर असफल कह दें तो हमारा अध्ययन पूरा नहीं होता। बहुदलीय व्यवस्था बनी हुई है, देश में बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय दल में एक दल की प्रधानता लगभग समाप्त हो गई है। सही और संपूर्ण अर्थों में कोई भी राजनीतिक दल अधिक अखिल भारतीय दल नहीं है। इन स्थितियों के परिणाम स्वरूप आज त्रिशंकु लोकसभा और खंडित जनादेश की महामारी ने अब केंद्र को ग्रसित कर लिया है। इसे संक्रमण काल या अस्थायी घटनाक्रम कहकर खारिज करना शुतुरमुर्ग की मानसिकता ही कही जाएगी। ऐसी स्थिति में संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत हमारे पास केंद्रीय सरकार पर मिली जुली सरकारों का विकल्प क्या है? अतः मिली जुली सरकारों की परिधि में ही हमें भविष्य के मार्ग खोजना होगा। हमें इस बात पर विचार करना होगा कि केंद्रीय सरकार पर मिली जुली सरकारों के गठन और कार्यक्रम का स्वरूप क्या हो, तथा मिली जुली सरकारों के संप्रसंग में इस वांछित स्थिति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। राजनीतिक संभावनाओं का खेल परिस्थितियों का निर्भर कला है, अतः अंतिम रूप से कुछ कह पाना संभव लेकिन है, पर लेकिन कुछ सुझाव अवश्य दिए जा सकते हैं इन सरकारों के लिए। वो सुझाव कौन कौन से हैं, उन सुझावों का हम अध्ययन करेंगे। ऐसे जो सुझाव है उन सुझावों की बात करते हैं, तो उन सुझावों में पहला हमारा सुझाव रहता है कि जो चुनाव से पूर्व गठबंधन के आधार पर, पहला सुझाव जो है चुनाव से पूर्व गठबंधन हो, यानी मिली जुली सरकारों का गठबंधन है वो बिना किसी लोभ लालच, बिना किसी भ्रष्टाचार के चुनाव से पहले होना चाहिए। चुनाव के बाद जो गठबंधन होता है उसमें अनेक स्वार्थ देखे जा सकते हैं। पहले के
की बात करते हैं हम, चुनाव से पूर्व गठबंधन हो, मिली जुली सरकारें दो रूप में हो सकती है। प्रथम राजनीतिक दलों का पूर्व गठबंधन हो, दूसरा राजनीतिक दलों के बीच चुनाव के पास स्थापित गठबंधन हो। इसमें प्रथम गठबंधन की मिली जुली सरकार को उचित कहा जा सकता है। चुनाव पूर्व गठबंधन में वैचारिक साम्य का तत्व अवश्य होता है और साझा चुनाव प्रचार व गद्दारी दलों को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। अतः राजनीतिक यथार्थों की दृष्टि रखते हुए भारतीय राजनीति में राजनीतिक दलों के ऐसे दो या तीन गठबंधन स्थापित होने चाहिए, जैसे गठबंधन राज्य स्तर पर पश्चिम बंगाल में किए गए, केरल में किए गए तथा अन्य दो या तीन तथा कुछ और राज्यों में हुए। अब तक केंद्र में जितनी भी मिली जुली सरकारें हुई है उन्हें वैधता का संकट देखा गया। जब चुनाव पूर्व गठबंधन के आधार पर मिली जुली सरकारें गठित होती है तो उन्हें जनादेश की शक्ति और वैधता प्राप्त होती है, क्योंकि सारी पब्लिक उस गठबंधन को प्राथमिकता देती है। द्वितीय जो है हमारा बाहरी समर्थन नया हो, द्वितीय जो है हमारा बाहरी समर्थन नया हो। मिली जुली सरकारें जब भी किसी भी स्थिति में सत्ता से गिरी है, सत्ता में जाने से रुकावट हुई है, तो उसका एक कारण निश्चित रूप से रहा है कि चाहे हम 77 की बात करें, जिस सरकार को बाहर से समर्थन दिया गया था, बाहर वालों के सब देशों ने समर्थन ले लिया, वो गिर गया। इसी प्रकार हम 89 की बात करते हैं, 89 में बीजेपी ने समर्थन दिया, बीजेपी ने वीपी सिंह से समर्थन ले लिया। चंद्रशेखर को कांग्रेस ने समर्थन दिया, कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया। ऐसी स्थिति में किसी भी पार्टी को भारी समर्थन न हो, भारी समर्थन न हो, भारी समर्थन जो नाम की चीज है, भारी समर्थन नाम का जो बिंदु है, उससे सरकारें कमजोर होती है और उससे हमारी शासन व्यवस्था डावाडोल होती है। हमने अध्ययन किया, अध्ययन के परिणाम स्वरूप हमें एक बात निश्चित मिली कि आज तक वही सरकारें पूरा कार्यकाल नहीं कर पाई जिन सरकारों का भारी समर्थन था, जिन सरकारों का भारी समर्थन मिला था। तीसरा, नेतृत्व स्वाभाविक हो, नेतृत्व स्वाभाविक हो। मिली जुली सरकारें वही सक्सेस हो सकती है जिनका नेतृत्व स्वाभाविक हो, थोपा नहीं दिया हो, लोगों पर जबरदस्ती नेतृत्व नहीं दिया गया हो। ऐसी सरकारें सक्सेसफुल होती है, सफल होती है। मिली जुली सरकारों को उसके स्वाभाविक रूप से अपनाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से मिली जुली सरकार का नेतृत्व उस राजनीतिक दल के द्वारा किया जाना चाहिए जिसने चुनाव में पहला स्थान और दूसरा स्थान प्राप्त किया। चौथा, मिली जुली सरकारें सक्सेस हो सकती है जब नेतृत्व परिपक्व, नेतृत्व परिपक्व और वरिष्ठ हो, और वरिष्ठ हो। हमने देखा है भारतीय राजनीति में एक मिली जुली जुली सरकार 1999 से 2004 तक रही, उस सरकार के पास पूर्ण अलगमत था, छोटे छोटे दलों से 20 से अधिक दलों की सरकार थी। उस सरकार ने 5 वर्ष पूरे करने का एक ही कारण था कि उसका नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में था। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्ण रूप से परिपक्व तथा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। मिली जुली सरकार का नेतृत्व का कार्य एक दल की सरकार का नेतृत्व की तुलना में निश्चित रूप से कठिन कार्य होता है। स्वाभाविक रूप से ऐसी सरकार का नेतृत्व शासन की कला में निपुण और अधिक परिपक्व या वरिष्ठ राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य स्तर पर अब तक मिली जुली सरकारें हुई है, उसका पाठ यह है कि मिली जुली सरकार का नेतृत्व जब प्रभावशाली राजनीतिक नेतृत्व में किया जाता है, जैसा हम राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत की बात करते हैं, पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की बात करते हैं, हरियाणा में चौधरी देवीलाल की बात करते हैं, तो ये परिपक्व और वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे।
अब इनका नेतृत्व सफल द्वारा किया जाता है जब उनके सफल कार्यकारिणी की संभावनाएं निश्चित रूप से बढ़ जाती है। मिलीजुली सरकार की सफलता के लिए आवश्यक है कि कोरी सिद्धांतवादिता का त्याग कर समझौते की प्रवृत्ति सार्वजनिक जीवन में व्यवहारिक दृष्टि को अपनाया जाए। अहमवादी व्यक्ति और अनुशासनहीनता का त्याग कर सार्वजनिक नैतिकता के भाव को ग्रहण करने की आवश्यकता, स्वयं सहिष्णुता और समायोजन के भाव को अपनाने पर ही मिलीजुली सरकार सही अर्थों में सरकार हो सकती है। आज भी राजनीतिक स्थिति में जब मिलीजुली सरकारें हमारी नियत बन गई है तो हमें इन सरकारों की सफलता के लिए आवश्यक राजनीतिक समझ, संस्कृति, आचार विचार और व्यवहार को अपनाना होगा। पांचवा सुझाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने वाले आदमी, नेतृत्व करने वाले आदमी इच्छा शक्ति हो, सुदृढ़ इच्छा शक्ति हो, सकारात्मक इच्छा शक्ति हो। भारतीय संविधान द्वारा राजव्यवस्था विद्वान तथा राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच मिलीजुली सरकार के गठन तथा कार्यकारिणी समस्त प्रक्रिया का गंभीर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इस बात पर गंभीर विचार करना चाहिए कि केंद्र की मिलीजुली सरकारों की राजनीति में उत्पन्न राजनीतिक अस्थायित्व को किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ संभव है। सभी बातों के प्रसंग में ब्रिटिश मॉडल का अनुसरण आवश्यक नहीं है। हमें अपने देश की राजनीतिक स्थितियों या राजनीतिक संस्कृति के अनुरूप मार्ग खोलना होगा। 16वीं लोकसभा में हमने देखा कि भाजपा के नेतृत्व वाले जनतांत्रिक गठबंधन NDA के अद्भुत सफलता मिली। भाजपा जो उसका प्रभावशाली दल था उसको अकेले को 282 सीटें प्राप्त कर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर दिया। लगभग 3 दशकों के बाद राजनीतिक दल में अकेले ने लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया। तो इस प्रकार की जो दल है उसमें हमें दबाव की राजनीति नहीं झेलनी पड़ी। इस प्रकार हमारा मिलीजुली सरकार का टॉपिक खत्म हो गया। मिलीजुली सरकार का टॉपिक खत्म हो गया। पूरा वीडियो हमने मिलीजुली सरकार, संसदीय शासन व्यवस्था में एकता तथा द्विमंडलीय संसदीय शासन व्यवस्था के लक्षण, प्रतिमान, भारतीय राजनीति और मिलीजुली सरकारें दो रूप में, राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर दो रूप, चतुर्थ चुनाव से पहले, चतुर्थ चुनाव के बाद, केंद्र स्तर पर 1977 से 16वीं लोकसभा तक, फिर था इनकी विशेषताएं। अब विशेषताओं के बाद हमारा जो विरोध चलता है वो चलता है मिलीजुली सरकारें केंद्र में जो मिलीजुली सरकारें मिली उनकी समानताएं क्या क्या था। समानताएं में क्या था, विपक्ष मजबूत होने के कारण कार्यकाल है पूर्ण भाव, दिशा अन्य सरकारें थी, सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव था क्योंकि ये राजनीति के प्रति अभ्यस्त नहीं थे, अमर्यादित संघर्ष था, कार्यकाल अनिश्चित था, केंद्रीकरण हावी था। मिलीजुली सरकारों ने सुझाव और निष्कर्ष इस प्रकार से इन समानताएं थी, जो समानताएं कौन सी, कमियों वाली जो समानताएं थी उनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, सरकार को किस प्रकार से स्थायित्व दिया जा सकता है, उसके लिए 5 सुझाव है। चुनाव से पूर्व गठबंधन हो, बाहरी समर्थन न हो, नेतृत्व स्वाभाविक हो, नेतृत्व ऐसा निकले जिसको लोग स्वीकार करें। जिस प्रकार से हमने जो अध्ययन किया कि अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व स्वाभाविक था, चौथा था नेतृत्व परिपक्व तथा वरिष्ठ राजनीति हो, और जो लोग राजनीति करने वाले हैं, जो लोग सरकार चलाने वाले हैं उनके मन में काम करने की इच्छा शक्ति हो। जगत अगर हमने ये सब गुण संपन्न होंगे, अगर हमारे अंदर ये सब गुण संपन्न होंगे तो इसका मतलब हमारी सरकार स्थायी होगी। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग नियमित पढ़ते रहिए।